दोस्तों, हमने हमेशा से यही सुना है और सीखा है कि पेड़ों से ही जीवन है, और देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सच भी है। पेड़ पौधों से न केवल हमारी भोजन संबंधी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, बल्कि दुनिया में बैलेंस बनाए रखने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी हैं। पर क्या आपको पता है कि हमारी इस पृथ्वी पर बहुत से ऐसे पेड़ भी हैं जो न सिर्फ विचित्र हैं, बल्कि ये हमारे जीवन को भी खतरे में डाल सकते हैं। ऐसे पेड़ों के आसपास रहना यानी अपनी मौत को दावत देने की तरह होता है। कौन से हैं ये पेड़ और कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या है कुछ खास इनमें, जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहें। द लिटिल एप्पल ऑफ डेथ, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। दोस्तों, ये लाइन तो आपने अपने बड़े बुजुर्गों या फिर डॉक्टर से जरूर सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि ये रूल हर सेब के ऊपर लागू नहीं होता। दुनिया में एक ऐसा भी सेब है जिसका एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर गलती से कोई खा लेता है तो उसकी मौत तय है। सुनने में यह बात जितनी डरावनी लग रही है उतनी ही ज्यादा सच भी है। कई लोग तो इस फल के टुकड़े को मुंह में रखने के बाद और निगलने से पहले ही मर गए हैं, इसलिए इस सेब को लिटिल एप्पल ऑफ डेथ के नाम से जाना जाता है। वैसे अगर आपको हकीकत से रूबरू कराएं तो ये फल असल में कोई सेब नहीं है, बल्कि ये सिर्फ ग्रीन एप्पल और गुआवा जैसा नजर आता है। इस फ्रूट में फोरबोल नाम का ऑर्गेनिक पॉइजन होता है, जिस वजह से इसे खाने वाला इंसान अपनी जान गंवा देता है। वैसे ये फल जितना खतरनाक है उतना ही खतरनाक वो पेड़ भी है जिस पर ये फल उगता है। इसके पेड़ को मेंशनल ट्री के नाम से जाना जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेंशनल ट्री दुनिया के सबसे जहरीले पेड़ के रूप में रिकॉर्डेड है। इस पेड़ के तने से जो लिक्विड निकलता है वो इतना जहरीला होता है कि यदि आपकी स्किन के संपर्क में आ जाए तो उस पर अनगिनत छाले पड़ जाएं। दोस्तों, इसीलिए जहां पर भी ये पेड़ पाए जाते हैं वहां पर लोग इसे लाल रंग से मार्क कर देते हैं, जिसका मतलब होता है डेंजरस। मेंशनल ट्री मेनली साउथर्न फ्लोरिडा, सेंट्रल अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड, साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट्स और नॉर्दर्न अमेरिका के ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। वैसे इस पेड़ और उसके फल से जुड़ा एक किस्सा काफी ज्यादा पॉपुलर है, आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। साल 1999 की बात है, जब निकोला स्ट्रिकलैंड नाम की एक वैज्ञानिक अपने एक दोस्त के साथ कैरेबियाई द्वीप टोबैगो घूमने गई थी। वहां जब बीच पर वो टहल रही थी तो उनको एक हरा फल दिखाई दिया जो कि सेब जैसा दिख रहा था, लेकिन असल में वो मेंशनल ट्री का फ्रूट था। उस फल से बहुत ही मीठी सुगंध आ रही थी, इसलिए निकोला ने उस फल को खाने का फैसला किया। लेकिन निकोला ने जैसे ही फल का छोटा सा टुकड़ा खाया, पल भर के अंदर ही उसकी सारी खुशियां गम में तब्दील हो गई। उसको जलन सी महसूस होने लगी और गला जाम सा होने लगा। उसकी इतनी हालत बुरी हो गई कि उससे फल को निगला तक नहीं जा रहा था। अंत में दर्द से बेहाल निकोला ने उस सेब के टुकड़े को थूक दिया और डॉक्टर के पास दौड़ के गई। वहां 8 घंटे की मशक्कत के बाद डॉक्टर उन्हें बचाने में कामयाब हो पाए। दोस्तों, ये तो भगवान का शुक्र है कि निकोला ने उस सेब के टुकड़े को थूक दिया था, वरना अगर वो उसे निगल गई होती तो शायद उसे बचा पाना डॉक्टरों के लिए भी नामुमकिन होता। ओमनियस ऑरेंज। दोस्तों, जहरीले सेब के बारे में तो आपने जान लिया, अब आइए जानते हैं जहरीले संतरे के बारे में। बड़े गोल वो पीले रंग के नजर आने वाले इस फल को देखकर हर कोई इसे संतरा समझने की गलती कर बैठता है, लेकिन जब आप इसके छिलके को इससे अलग करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि ये आपके असली ठेले वाले संतरे नहीं है। वैसे अगर आप गलती से भी इन संतरों को खाने की सोचते हैं तो शायद उन्हें खाने के बाद आप इसका टेस्ट किसी को बताने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि ये पेड़ कोई सामान्य पेड़ नहीं है, बल्कि ये स्ट्राइनोज नक्स वोमिका है, जिन्हें स्ट्राइचिन ट्री के नाम से भी जाना जाता है। स्ट्राइचिन एक खतरनाक पॉइजन है जो इस पूरे पेड़ में पाया जाता है, और सबसे ज्यादा इसके फल में, जो बाहर से दिखने में हूबहू संतरे की तरह नजर आता है। अगर कोई इस फल का सेवन अत्यधिक मात्रा में करता है तो उसे इनवॉलेंट्री स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये एक ऐसी समस्या है जिसमें व्यक्ति का अपने मसल्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, मसल्स में ऐंठन और मुड़ान जैसी स्थिति सामने आने लगती है। व्यक्ति का सिर, गर्दन और उसकी स्पाइनल हड्डी एक ब्रिजिंग आर्च पोजिशन में सीज हो जाती हैं। वाकई में ये काफी डरावना है। ज्यादा समय तक इस पोजीशन में रहने से व्यक्ति का दम घुटने लगता है और उसकी जान पर भी खतरा बनाता है। स्ट्राइचिन ट्री मूल रूप से भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में ये ब्यूबैनिक प्लेग के फैलाव को रोकते हैं। एक्चुअली इस पेड़ के फलों ने उन चूहों की आबादी को खत्म कर दिया है जो इन क्षेत्रों में ब्यूबैनिक प्लेग के वायरस लेकर आए थे, और आज भी इस पेड़ के पॉइजन का इस्तेमाल चूहे मारने वाली दवा में किया जाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी अभी उस फैक्ट के बारे में जाना जो आज से पहले आपको नहीं पता था, तो वीडियो को फटाफट से एक लाइक जरूर कर देना।
दोस्तों अब जिस पेड़ को मैं आपसे मिलवाने जा रहा हूँ वो पेड़ तो अनोखा है ही, साथ में उसका फल भी बहुत ज्यादा अनोखा है। इस पेड़ को सैंडबॉक्स ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक और डरावना पेड़ है जो कि अमेज़न के वर्षावनों, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका और तंजानिया के कुछ भागों में पाया जाता है। इस पेड़ को देखते ही आप पहले तो चौंक जाएंगे क्योंकि इसके तने पर शंकु के आकार के ढेर सारे कांटे होते हैं जो एक इंच से अधिक लंबे हो सकते हैं। वैसे तो इन खतरनाक कीटों को देखकर कोई भी इन पेड़ों को छूने की गलती नहीं करेगा, लेकिन अगर आप गलती से इस पेड़ को छू देते हैं तो यकीनन आपकी जान भी जा सकती है। 100 फीट लंबे इस पेड़ का प्रत्येक हिस्सा बहुत ही खतरनाक और जानलेवा होता है। इन पेड़ों से निकलने वाला सैप आपकी आंखों को हमेशा के लिए अंधा बना सकता है। इस पेड़ पर लगने वाला फल कद्दू की तरह दिखता है परंतु वास्तव में ये जहरीले और जानलेवा होते हैं। कमाल की बात यह है कि जब ये फल पक जाते हैं तो जोरदार आवाज के साथ बम की तरह फटते हैं। उस समय ये फल 150 मील प्रति घंटे की स्पीड से फूटता है और 60 फीट की दूरी तक इसके बीज तेजी से फैलते हैं। ऐसे में इसकी पेट में आने वाला व्यक्ति बुरी तरह घायल हो सकता है। यदि आपको कभी भी इस तरह के पेड़ दिखें तो इनसे दूरी बना कर ही रखिएगा। वैसे इसके विस्फोटक गुण को देखते हुए इस पेड़ को डायनामाइट ट्री के नाम से भी जाना जाता है। किलर कोकोनट्स। दोस्तों यहाँ मैं किसी अलग तरह के नारियल की बात नहीं करने वाला हूँ, मैं उसी नारियल की बात कर रहा हूँ जिसके पानी को पीकर आपकी दिन भर की थकान चुटकियों में छूमंतर हो जाती है। लेकिन मैं इसे किलर क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। नारियल को लेकर एक पुरानी अर्बन लेजेंड है कि नारियल पर ईयर 150 से अधिक लोगों को मार देते हैं क्योंकि वो पेड़ों से काफी ऊंचाई से गिरते हैं और लोगों के सिर फूट जाते हैं। हालांकि सौभाग्य से ये फैक्ट पूरी तरह से गलत है। ये शार्क कार्यकर्ताओं द्वारा फैला गया एक मनगढ़ंत आंकड़ा है जिसे शार्क के हमले से होने वाली मौतों के आंकड़ों को छिपाने के लिए फैलाया गया था। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नारियल पूरी तरह से निर्दोष हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि एक 1.5 से 2 किलो वजन वाला नारियल किसी व्यक्ति के सिर पर 80 फीट की ऊंचाई से गिरता है तो उसकी इंपैक्ट वेलोसिटी 50 मील पर आवर होगी और उसका फोर्स लगभग 1 टन वजन के बराबर होगा। खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई नारियल आपके सिर पर गिर जाए तो आप खुद सोचिए कि आपके सिर के कितने टुकड़े हो जाएंगे। खैर, कम ऊंचाई से गिरने वाला नारियल भी कम घातक नहीं होता, यह आपके कंधे और सिर को गंभीर रूप से चोटिल कर सकता है। नारियल की वजह से कई मौतें भी हुई हैं, जिस वजह से इस समस्या से बचने के लिए साल 2002 में नॉर्दर्न क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में एक बीच पर नारियल गिरने से होने वाली मौतों को रोकने के लिए अधिकारियों ने वहां के सभी समुद्री तटों से नारियल के पेड़ हटा दिए थे। इसलिए दोस्तों सावधान रहिए और गर्मियों में नारियल के पेड़ के नीचे आराम करने से बचिए, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप फिर कभी आराम करने के लायक ही ना बचें। इम्पोस्टर प्रॉब्लम्स। दोस्तों अगर आप कभी ब्राजील घूमने जाएं तो आपका सामना वहां के किसी बाग में एक ऐसे किसी पेड़ से हो सकता है जो पूरी तरह से अपने फल से लथपथ हो। वैसे पेड़ पर दिख रहे इन फलों को देखकर आप इसे जामुन या अंगूर समझने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि ये ना तो जामुन है और ना ही ये अंगूर है। ये एक अनोखा फल है जिसे जाबूटी काबा के नाम से जाना जाता है। ये खास फल पेड़ की टहनियों के साथ साथ उनके तनों पर भी उगते हैं। और तो और ये इतने खतरनाक तरीके से पेड़ों पर उगते हैं कि इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे पेड़ों पर किसी पैरासाइट ने अटैक कर दिया हो, लेकिन वास्तव में ये फल काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं। इन फलों को कच्चा खाया भी जा सकता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल जेली, जैम, जूस या वाइन बनाने में भी किया जाता है। लेकिन एक बात को यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि इस तरह के हर पेड़ पर उगने वाले फल खाने के लिए नहीं होते हैं। पोकवीड, जो साउथ अमेरिका में आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा, वो जाबूटी काबा का पूरा हमशक्ल है। लेकिन इन जामुनों का नेचर जाबूटी काबा के बिल्कुल उलट होता है। इसे खाने पर सांस लेने में दिक्कत, मसल्स में ऐठन, ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए इस तरह के किसी भी जामुन को खाने से पहले आपको सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों इन सभी पेड़ों और फलों के बारे में जानने के बाद एक बात तो साफ है, आप कभी भी किसी ऐसे फल को ना खाएं और ना ही किसी ऐसे पेड़ के पास जाएं जिससे आप अब तक अनजान हो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि उस फल की खूबसूरती आपकी जान की दुश्मन बन जाए। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।